इन्फ्लेशन का मीनिंग समझ लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर्स किस तरीके से किया जाता है और हम स्पेशल रेफरेंस इंडिया का ही लेने वाले हैं। तो बच्चों, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली दो मेजर्स हैं, हालांकि और भी मेजर्स आप कह सकते हो, लेकिन इंडिया में बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज किया जाता है। हालांकि आप ब्रॉडली लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है, तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि जो ऐसा सामान जो थोक बाजार में मिल रहा है, इसका मतलब जो रिटेलर बाय नहीं कर रहे बल्कि होलसेलर बाय कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को आप प्राइस में जो एवरेज चेंज हो रहा है, होलसेलर का जो प्राइस है उसमें जो एवरेज चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और WPI मेजर दी एवरेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव बास्केट की बात आई तो पहले बास्केट समझ लीजिए। सारी चीजों को मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बास्केट बना लेते हैं। बास्केट का मतलब एक तरीके की टोकरी। तो टोकरी हमने बना ली। अब उस टोकरी के अंदर हमने क्या किया, कुछ गुड्स रख दी जो कि प्राइमरी आर्टिकल्स होंगे, कुछ फ्यूल्स एंड पावर रख दिए, और तीसरा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रखा है, ये आप देख सकते हो बच्चों, कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनका वेटेज है 20.11%, जो फ्यूल एंड पावर है उसका वेटेज है 14.91%, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनका वेटेज है 64.97। तो एक तरीके से टोटल मिलाकर 697 गुड्स हैं। तो 697 में गुड्स को ये एवरेज दिया हुआ है। उस एवरेज के बेस पर जब हम इन्फ्लेशन पता करते हैं तो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर केवल गुड्स आती हैं, सर्विसेज इसके अंदर नहीं आती हैं। बच्चों, आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1942 में, और उस समय इसका जो बेस ईयर था वो 1939 था। प्रेजेंटली इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और इससे पहले जो बेस ईयर था वो 2004-05 था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा 11-12 ही होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी भी बेस ईयर है। हालांकि 21-22 भी रखने का प्लान था, लेकिन कोविड आने की वजह से बेस ईयर अभी भी 11-12 का ही चल रहा है। इसके अलावा WPI कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, इसको DPIIT बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, एंड इंडस्ट्री इसके अंदर ही आता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इसको मेजर करने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिकली बात समझ में आई होगी, इतनी ही बातें आपको WPI के बारे में समझनी है। इसके अलावा WPI में भी एक फूड इंडेक्स भी बनाया गया है, जिसको हम WPI फूड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली WPI फूड इंडेक्स में फूड आइटम्स को ही कंसिडर किया जाता है, और जिस तरीके से होलसेल प्राइस लिया जाता है ओवरऑल WPI का, वैसे ही ये जो WPI फूड इंडेक्स है उसको मेजर करने के लिए भी फूड आइटम को ही होलसेल प्राइस को ही कंसिडर किया जाता है। यानी इन ऑर्डर टू इंक्लूड द फूड आइटम ऑफ WPI, अ न्यू इंडेक्स कॉल्ड WPI फूड इंडेक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस। इट विल बी कंप्यूटेड ऑनली मंथली बेसिस टू मेजर द इन्फ्लेशन इन फूड आर्टिकल्स। बच्चों, बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यानी कि CPI या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए बनाया जाता है, जैसे लेबर के लिए अलग ग्रुप हो गया, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए, एग्रीकल्चर जो किसान है उनके लिए अलग ग्रुप हो गया, उनके लिए अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है, अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से बनाया जाता है। और इसमें जो प्राइस ली जाती है वो रिटेल प्राइस ली जाती है, जिससे कि ज़्यादा एक्यूरेट ये बन सके। इसलिए भारत में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए WPI का रोल ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर द चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर इन द कंट्री इन द करंट ईयर ऑफ एज कंपेयर विद द बेस ईयर। यानी कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में जो बास्केट है वो कितनी महंगी हुई है, कितने गुना महंगी हुई है, उसी बेस पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
ये इसको पब्लिश करने का काम करता है। इन 2015 न्यू सीरीज ऑफ सीपीआई वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट विच इज इंक्लूड सीपीआई रूरल एंड सीपीआई अर्बन, यानी कि अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग मेजर किया जाएगा, अलग अलग तरीके से मेजर किया जाएगा, अलग अलग उसमें गुड्स हैं। और इसके अलावा सीपीआई कंबाइंड भी है, यानी कि रूरल भी है, अर्बन भी है और कंबाइंड भी है, तीन तरीके के सीपीआई बन गए। और बेस ईयर जो है ऑफ न्यू सीरीज जो है वो 2011-12 ही है। द नंबर ऑफ आइटम इन सीपीआई बास्केट इज 448 अंडर रूरल एंड 416 अर्बन एंड इट इज द क्लियर दैट जीपीआई बास्केट इज ब्रॉडर देन डब्ल्यूपीआई। तो यहाँ पे देखिए बास्केट के बारे में हमने बता रखा है। हालांकि 2014 से इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई का ही रोल है, सीपीआई अपना रोल प्ले कर रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है, फूड एंड बेवरेज, पान, तम्बाकू एंड जो भी इसके अलावा इंटॉक्सिडेंट आइटम्स होते हैं, क्लोथिंग एंड फूड आइटम्स हैं, इसके अलावा फ्यूल है और लाइट है, हाउसिंग है एंड मिसलिनियस है। और यहाँ पे उनका वेटेज दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो वेट है वो फूड एंड बेवरेज का ही है। इसके अलावा फोर तरीके के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। WPI जो है, यानी कि इसके अंदर देखिए एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाया जाता है, जो WPI इंडस्ट्रियल वर्कर का है और एग्रीकल्चर लेबर का है और रूरल लेबर का है। इनको बनाने का जो काम है वो लेबर ब्यूरो करता है। और जो ये वाला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल, इसको इसको नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, इसको बनाने का काम जो है वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO करती है। इसके अलावा बच्चों बेटर है किस तरीके से जो CPI है वो WPI से बेटर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि CPI एक ब्रॉडर बेस है। इसके अलावा प्राइस रिटेल से ली जाती है, इसके अलावा इसका जो इसके अंदर सर्विस भी आती है, जबकि जो आपका WPI है उसमें सर्विस नहीं आती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि WPI से CPI बेटर है। नंबर वन ब्रॉडर, इसका जो कवरेज एरिया है वो ब्रॉडर है। दूसरा आप बता सकते हो कि इसके अंदर सर्विस भी आती है, जबकि WPI में सर्विस नहीं आती थी। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर एक तरीके कि इसके अंदर फूड आइटम का भी बड़ा रोल होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके अंदर आप बता, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप याद रखिएगा कि ये ज़्यादा बेटर है। जिस तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स बना है फूड के लिए, उसी तरीके से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी है। और बेसिकली रूरल अर्बन और रूरल अर्बन एरिया अलग अलग बनता है इसके लिए। और ये रिटेल प्राइस पर जो फूड आइटम्स है उनके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है उसको बता करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली बात हमने आपको बताई। एक और है इंडेक्स, वो है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हालांकि आपने नेशनल इनकम में नॉमिनल GDP और रियल GDP पढ़ा होगा, यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रियल GDP क्या है आप एक बार पहले वो समझ लीजिए। देखिए रियल GDP का मतलब है GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस। कैसे पता करते हैं? प्राइस लेते हैं बेस ईयर का और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। डिटेल वीडियो करा। इसी तरीके से बच्चों नॉमिनल GDP होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है? GDP एट करंट प्राइस। कैसे निकालेंगे? प्राइस लेंगे ऑफ करंट ईयर का और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो बच्चों ये मैक्रो में हमने डिटेल करा रखा है, आप मैक्रो पे, अगर हम माइक्रो बोल दिया था पहले, हमने माइक्रो में करा रखा है तो आप वहां से जरूर एक बार इसको देख लें। तो इसका मतलब GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए नॉमिनल GDP को रियल GDP से डिवाइड कर देते हैं। और GDP डिफ्लेटर बताता है कि एक्चुअल में जो एवरेज प्राइस है इकोनॉमी में वो कितना बढ़ा है। इसमें सभी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉमिनल GDP 20,000 है और रियल GDP जो है वो 10,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर के मुकाबले कीमतें जो हैं वो 200% तक बढ़ चुकी हैं। 200% का मतलब बेसिकली दो गुना तक हो गया, दो गुना तक बढ़ चुकी हैं। तो ये बच्चों GDP डिफ्लेटर है। इसके अलावा IIP का यूज़ होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को पता करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक तरीके का इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके की चल रही है। तो आईआईपी जो है, आईआईपी इज कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर दी शॉर्ट टर्म एंड चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग दी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो बास्केट बना रखी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, उसमें क्या चेंज आया है उसके बारे में इंडिकेटर जो देता है वो आईआईपी देता है। आईआईपी जो है वो लगभग 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। तो आईआईपी जो है वो बेस ईयर के बेस पे बनाया जाता है। और 8 कोर इंडस्ट्री हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर। इन कंपनियों का जो वेट है वो लगभग 37.5 है। यानी कि कोर इंडस्ट्री जो है, 8 कोर इंडस्ट्री, उनका ही वेटेज 37.5 है। और टोटल इसके अंदर यहां पे लिखा हुआ है, टोटल मिलाकर 407 आइटम इसके अंदर आते हैं, जिसमें से 149 न्यू इमर्ज हुए हैं और इसी के हिसाब से 124 पहले से हटा दिए गए हैं। 2004-05 से जो बेस ईयर है अब 2011-12 कर दिया गया है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमने समझा, बेसिकली इसी तरीके से मेजर होता है। और अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें, देखिए ये वाला जो हमने आपको समझाया था, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। इससे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।